जी पटेल सर। हौज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद ख़ातमुन्नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिराज, इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, इंतहाई हसास और पूरी जिम्मेदारी से मैं कह सकता हूँ कि हर मुसलमान, चाहे वो बहुत नमाजी परहेजगार हो या कलमा गो हो, सिर्फ उन सबको इस मसले पर उतना ही जोश, उतना ही गम और उतना ही गुस्सा होता है जितना कि किसी आलिम फाजिल को हो सकता है। सर, सबसे पहले तो ये बात बता दी जाए कि देखिए, अगर किसी को सजा देने का हक नहीं है, और ये बात ठीक है, तो किसी को ऐसे फैसले देने का हक भी नहीं है कि लोग खुद सजाएं देने पे तैयार हो जाएं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये ऐवान भी जानता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हम अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते, और ये मसला उसमें सरे फहरिस्त है। अगर जो असल मसला है हम उसकी तरफ देखें और उस पर बात करें, तो मैं मुझसे पहले जो खतीब थे उनसे बिलखसूस और बिलमूम पूरे हाउस से ये बात कहना चाहूंगा कि दरअसल फितना कहाँ है। फितना ह्यूमन राइट्स के नाम पर, इंसानी हुकूक के नाम पर मगरब से फैलाया जाता है। ये मुर्तिद वहां जाते हैं और कहते हैं जी पाकिस्तान पे हम पे बहुत जुल्म हो रहा है। हजारों वीडियोस, सैकड़ों वीडियोस आप सबने देखी, और मगरब चूंकि इस्लाम के बारे में जानता नहीं, तो ये कहता है कि भाई आप लोग इनको मुसलमान क्यों नहीं मानते। मुसलमान, मैंने इससे पहले कुछ दिनों पहले एक हाउस में एक जिक्र किया था, बाद में पता चला कि उन जज साहब ने अपनी तस्हीह कर ली थी। वो हाई कोर्ट के जज साहब ने एक फैसले में लिख दिया द सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स, इट्स अ माइनॉरिटी। अब सब असल बात की तरफ आए, हम आज ये पैगाम इस हाउस से मगरिब के उन दानिश्वरों को, उन इंसानी हुकूक के अलम बरदारों को, उन झूठे किस्से ख्वानों को, उन इंसानियत के झूठे नारे बुलंद करने वालों को लाउड एंड क्लियर ये पार्लियामेंट आज ये मैसेज देना चाहती है कि भाई जुल्म हम नहीं कर रहे, हमला तो हम पर हो रहा है। हमसे पूछा गया कि भाई आप इन्हें मुसलमान क्यों तस्लीम नहीं करते, हमने कहा भाई बात सुनो, यहूदी हजरत मूसा को मानते हैं, तौरात को मानते हैं, वो यहूदी हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो साथ साथ हजरत ईसा को भी मानना शुरू कर दें तो क्या वो यहूदी रहेंगे? आंसर इज नो। इसी तरह ईसाई हजरत ईसा को मानते हैं, इंजील को मानते हैं, वो ईसाई हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो साथ साथ किसी और नबी को भी मानना शुरू कर दें तो क्या वो ईसाई रहेंगे? द आंसर इज नो। ओ भाई, इसी तरह अगर ये मुनाफिक अपने आप को मुसलमान कहते हैं और मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को नबी मानते हैं, तो ये कभी भी मुसलमान नहीं हो सकते, ये कभी भी मुसलमान नहीं हो सकते।
तो हम पर हमला है, ये हमारा टाइटल इस्तेमाल करते हैं। करोड़ों में से दो चार पांच अलग लोग होकर और मगरिब से कहो कि तुम इन्हें सियासी पनाहें दो, इंसानी हकूक के परचम बुलंद करो। एक सीडी की कॉपीराइट हो जाती है किसी फिल्म की तो कानून लागू हो जाते हैं। कॉपीराइट को बहुत बड़ा जुर्म बना के पेश किया जाता है। आज ये मुनाफिक अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपनी तहरीफ शुदा किताब को मेरा कुरान कहते हैं, लेकिन इनको ये कॉपीराइट नजर नहीं आता। इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। ये लाउड एंड क्लियर मैसेज हमारी तरफ से जाना चाहिए। इस मुकद्दस ऐवान ने अजीम फैसले जो किए उनमें से ये एक अजीम तरीन फैसला है और ये हमेशा के लिए एक मोहर है। मैं समझता हूं जब तक एक भी मुसलमान बाकी है, एक भी कलमा गो बाकी है, हरगिज नहीं हमारी लाशों पर से ये काम कभी भी ना डिस्कस में लाए। मैं तो हमेशा कहता हूं इसको आप डिस्कस में ही ना लाएं, ये खत्म शुदा चैप्टर है, ये क्लोज है, इस पर मोहर लग चुकी है। एक सवाल कि ये मुर्तद, आपको शायद पता ना हो, मैं एक बात शायद अगर जिन लोगों को पता ना हो मैं एक बात का उनके इल्म में इजाफा करूं कि ये अपनी उन किताबों का ये मुर्तद जो अपने आप को पता नहीं क्या कहता है, मैं तो वो लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करता, ये अंग्रेजी में तर्जुमा नहीं कराता इदरी साहब, पता है आप क्यों? बहुत कम लोगों को पता है कि ये अपनी जो उसकी मिर्जा मुर्तद की लिखी हुई किताबें हैं उसका अंग्रेजी में तर्जुमा नहीं कराते, क्योंकि नाउजुबिल्ला 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 मैं दोहरा नहीं सकता जो इस मुर्तद ने उन किताबों में दीगर अंबिया और शहदाए करबला जिनके अब मजारात पे मैं आगा साहब और शगुफ्ता हाजिरी देने गए, वो शहजादे जन्नत के जिनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे तवील कर देते थे, तो वहां भी कुछ लोग कहने लगे कि पता नहीं आप किस फिरके से हो, इस फिरके से हो। फतवे ना दें, लेकिन मैं चाहता हूं ऐसा माहौल भी पैदा ना करें कि हम मुसलमानों की सबसे बड़ी दौलत हमारा ईमान और आका नामदार खातमुन नबीन पर ईमान है। वो खातमुन नबीन है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी थे हैं और रहेंगे। जब तक भी एक मुसलमान बाकी है, उसकी सांस में सांस बाकी है, ना इस मसले को छेड़ा जाए ना इस मौजू को छेड़ा जाए। अगर फिर खून खराबा हुआ, लॉ मिनिस्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन साथ साथ इन जजों को बताएं कि ये फितना तुम पैदा कर रहे हो ऐसे फैसले देके, हम नहीं। ये फितने नहीं होने चाहिए, यहां तक तो मैं आपके साथ हूं, लेकिन फितना पैदा करने वाले को कितनी बड़ी सजा मिलेगी एक बार फिर माशाल्लाह खड़े होकर ये भी बता दीजिए कि जो इस 25 करोड़ आवाम में फितना पैदा करता है, जो पता नहीं कितनी लाखों में तनख्वाहें लेकर इस कौम को अपनी कलम के जरिए इस आग में झोंकना चाहता है, हमारे ईमानों पर जर्ब लगाना चाहता है, हमारे जज्बात पर खेलना चाहता है, उसको कितनी बड़ी सजा हम देने जा रहे हैं ये भी पता होना चाहिए जी। लिहाजा मैं सर स्पीकर साहब आपसे दरख्वास्त करूंगा, मैं आदर्श बसना अपने भाइयों से अपील करूंगा, कोई कमेटी ना बना, आका आखिरी नबी है, मेरा ईमान है, हम सबका ईमान है, इस मसले को दोबारा पेचीदा और डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, एक कमेटी बनाओ कि जो इस किस्म के फैसले देते हैं जिससे आवाम में बेचैनी इंतिशार और फितना फैलता है, उन लोगों की क्या सजा होनी चाहिए, और आर्टिकल को अगर रीराइट किया गया और
आर्टिकल को अगर रीराइट किया गया तो क्या वो आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है या नहीं आता, ये भी बताया जाए। क्योंकि आईन में तहरीफ, आईन में तहरीफ, तो फिर आर्टिकल 6 आपके पास ऑलरेडी मौजूद है और उसकी सजा मौत है। तो मैं इस हाउस से, आपके तवस्सुस से, अपनी तमाम जमातों के साथ मिलकर एक लाउड एंड क्लियर मैसेज भेजना चाहता हूं। चाहे कितना ही लंबा काला कोट आप पहन लो, चाहे कितने ही लोगों को आपने फांसी पर चढ़ा दिया हो, आप हमारे ईमान पर हमला मत करो, हमारे ईमान पर खुदा के वास्ते हमला मत करो। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है वो हमेशा रहेगी, तुम कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।